नमस्कार साथियों, मैं रोशन शर्मा और आप देख रहे हैं संजीवनी फार्मिंग लीडर। आज का ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि अभी का सिचुएशन जो है इस समय ज़्यादा से ज़्यादा गाय बच्चा देती है, और यदि हमें उन गायों से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेनी है, ज़्यादा मिल्क लेना है, तो उसे पहले ही दिन से हमें तैयार करना होता है। और इस तैयारी के क्रम में हमें किन सारी चीज़ों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कैसे उसको फीड करवाना है और किस समय पे हमें उसे वैक्सीनेटेड करना है या वैक्सीन नहीं डलवाना है, इन सारी चीज़ों पे भी हमारा डिस्कशन होगा। और साथ ही बच्चा जन्मने के बाद जो हम लोग खीस पिलाते हैं या फिर हम लोग अपने बिहार में गाजूर बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में कोलेस्ट्रॉम बोला जाता है, क्या ये पिलाना सही है, और यदि ये सही है तो इसमें किन सारी चीज़ों की उपलब्धता होती है जिसके कारण हम लोगों को बेनिफिट होता है। और वीडियो आगे करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि हमारे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये अच्छी वीडियो और लोगों तक पहुँचे और उनको भी अपना फार्म करने में, फार्म डेवलप करने में आसानी हो। आपको आपका फार्म सक्सेसफुल बनाना है तो आपको पहले ही दिन से आपको काफ रियरिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। काफ जो बच्चा होता है उसको पहले ही दिन से कैसे दूध पिलाना है, कितना दूध पिलाना है, और उसके बाद किस टाइम पे कितना हम लोगों को फीड उसको करवाना है, कैसे रख रखाव रखना है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमारा दो पार्ट होने वाला है। एक पार्ट में केवल हम लोग डिस्कस करेंगे कोलेस्ट्रॉम खीस वगैरह पिलाने के लिए, और दूसरा और साथ में वैक्सीनेशन के बारे में। दूसरा हमारा केवल इसका फीडिंग डाइट क्या होना चाहिए, कैसे फीड करवाना चाहिए और किन सारी चीज़ों को फीड करवाने से बेहतर हेल्थ आउटपुट आपको मिल पाएगा, हमारा डिस्कशन उस पर होगा। अभी जैसे ही बच्चा जन्मती है, जन्मने के बाद जो सबसे पहले जो माँ का गाढ़ा पीला दूध होता है, पुराने टेक्निक के हिसाब से वो फेंक देते थे लोग, उसको फीड नहीं करवाते थे अपने पशुओं को। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो पिलाना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है पशुओं के लिए, क्योंकि उसमें यदि विटामिन्स की बात करें, मिनरल्स की बात करें और एंटीबॉडी की बात करें तो प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होती है, और वही और खास करके विद इन 1 आवर, 1 घंटे के पहले भीतर आपको ये सारी चीज़ें फीड करवानी ही है एनी हाउ, क्योंकि 1 घंटे के बाद धीरे धीरे वो इम्यूनिटी डेवलप होने वाली जो उसकी कोशिकाएं होती है वो धीरे धीरे बंद होने लग जाती है, क्योंकि जब बच्चा जन्मती है, जन्मने के बाद जब वो नॉर्मल पर्यावरण में अपने ढलना शुरू करती है और यहाँ से ऑक्सीजन वगैरह लेती है, तो धीरे धीरे वो उसका एक टाइम पीरियड होता है, उस समय में वो बंद हो जाती है। तो विटामिन ए, उस जो कोलेस्ट्रॉल है, जो खीस बोलते हैं या फिर जो गाजर रहती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल दूध से उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब 5 से 15 गुना ज़्यादा उसमें विटामिन ए अवेलेबल होती है। सेकेंड, राइबोफ्लाविन एंड कोलाइन, इसकी डेफिशिएंसी के कारण आप देखते होंगे पशुओं में मुंह के पास घाव हो जाना, उसके नाभि के पास घाव हो जाना, या फिर दस्त की रिक्वायरमेंट, दस्त होना, उसके बाद साथ ही आप ये भी देखते होंगे बालों का झड़ना, वो केवल और केवल राइबोफ्लाविन और कोलाइन जो अवेलेबल होते हैं उसमें, और यदि वो हम लोग नहीं पिलाएं खीस गाजूर, तो फिर ये डेफिशिएंसी हो जाती है, और डेफिशिएंसी के कारण इन सारी चीज़ों को से हमें जूझना पड़ता है, और जिस कारण से हमें हमारी काफ जो हैं उनका लॉस हो जाता है, लॉस परसेंटेज बढ़ जाता है। और यही नहीं, अभी और भी जैसे थायमाइम की अवेलेबिलिटी होती है, थायमाइम मतलब विटामिन बी1, ये भी बहुत मात्रा में अवेलेबल रहती है उस दूध में, उस पार्टिकुलर दूध में। एंड
मेंटोथेनिक एसिड, मेंटोथेनिक एसिड का मुख्य कारण क्या होता है? यदि इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो भूख कम लगेगी, भूख नहीं लगने के कारण कम खाती है, और फिर विकास दर जितना हम लोगों को विकास चाहिए होता है एक्चुअली वो विकास नहीं हो पाता है, और वो विकास नहीं होगा तो ऑब्वियस आप समझ सकते हैं कि क्या कितना लॉस होता है अपने फार्मिंग में। और यही सब एक्चुअली छोटा छोटा टेक्निकल टर्म होता है जिस कारण से पंजाब के लोग ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों पर फोकस ना करके हम लोग इतना पीछे कंटिन्यूस जाते रहते हैं। और एक और चीज़ उसमें अवेलेबल रहती है ग्लोब्यूलिन, ठीक है, और जिस समय बच्चा जन्मती है उस समय आपको ग्लोब्यूलिन लगभग 0.97 mg उसके शरीर में अवेलेबल होती है, लेकिन जैसे ही पहली खीस पीने के बाद उसके शरीर में लगभग ग्लोब्यूलिन की मात्रा लगभग 16.55% हो जाती है, और सेकेंड मिल्किंग थर्ड मिल्किंग होते होते लगभग ये ग्लोब्यूलिन की मात्रा 28-30% तक उसके शरीर में हो जाती है। इस ग्लोब्यूलिन की डेफिशिएंसी के कारण पशुओं में जो पार्टिकुलर कैटल है उसमें नाक बहना या फिर डायरिया का शिकायत होना, जबरे के वो जो जबरा होता है उसके निचले हिस्से में सूजन हो जाना, और ये ग्लोब्यूलिन जो है जब ये मात्रा पर्याप्त होता है तो ये क्या होता है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। और साथ ही ये जैसे डायरिया हो गई तो इसमें कंसेप्ट में इसमें मोर्टिलिटी रेट को कम करता है, क्योंकि ये इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है उस दौरान, और साथ में डायरिया को रिकवर करने में भी ये सपोर्ट करता है, जैसे गट हेल्थ का इम्प्रूवमेंट होता है, गट हेल्थ उसे कहते हैं जैसे गुड बैक्टीरिया, कुछ हमारे कुछ उसके पशुओं के पेट में गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं, तो ये गुड बैक्टीरिया जो गट फ्लोरा के नाम से होता है, जो इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने में ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये एक्चुअली आंत में अवेलेबल होता है, 70% इसकी मात्रा आंत में रहती है। और ये तो हो गई, ये हो गई हमारी कोलेस्ट्रम के फायदे, और केवल इसके फायदे ही हैं, नुकसान कहीं से भी हमारे पशुओं में नहीं है। तो डे वन से केयरिंग स्टार्ट करें, और साथ ही वैक्सीन जरूर अपने पशुओं को लगवाएं। वैक्सीन में सबसे पहला वैक्सीन जो आपके पशुओं में लगना है वो एक्चुअली ब्लैक क्वार्टर के नाम से ब्लैक क्वार्टर है। अब कंपनी वाइज मैं थोड़ा ये नहीं किया हूँ, बट ब्लैक क्वार्टर आप किसी भी कंपनी का ब्लैक क्वार्टर के लिए किसी भी कंपनी का आप लगवा सकते हैं वैक्सीन। ये फर्स्ट वैक्सीन लगेगा आपको दूध छोड़ने से लगभग 8 सप्ताह पहले, जब भी दूध छोड़ना रहेगा उसके 8 सप्ताह पहले आपको ये वैक्सीन लगवानी है, फर्स्ट डोज ब्लैक वाटर। और दूसरा लगेगा दो से चार मंथ, जब बच्चा हो जाएगा 2 से 4 मंथ का, तो FMD फर्स्ट डोज लगेगा, फर्स्ट वैक्सीन FMD का फर्स्ट वैक्सीन लगेगा। फिर जब 6 से 8 महीने की हो जाएगी तो इस समय लगेगा FMD बूस्टर, इस समय FMD बूस्टर वैक्सीन लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोर्टिलिटी रेट रहता है FMD का, इसलिए इसका प्रिवेंशन आपको पहले से करके चलना पड़ेगा। फिर 6th मंथ में आपको एंथ्रेक्स लगेगा, ब्लैक क्वार्टर सेकेंड डोज के भी लगेगा आपका उसमें, उसके बाद फिर 4th से 8th, 4th से 8th मंथ के बीच में आपको ब्रुशेला वैक्सीन लगेगा, और फिर से इस समय 4th से 8th मंथ में एक अर्ली FMD वैक्सीन लगेगा। तो ये कुछ जानकारियां थी जो वैक्सीन से रिलेटेड एंड खीस से रिलेटेड, गाजूर से रिलेटेड, या आप कहें कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड था। और इसका दूसरा पार्ट मैं अब जल्दी ही अपलोड करूंगा जिसमें कंप्लीट फीडिंग सॉल्यूशन होगा, आप अपने काफ रियरिंग में कैसे और कितना दूध पिलाना है, और दूध पिलाना सही है या दूध पिलाना गलत है,
दूध पिलाना यदि गलत है तो कितने टाइम तक दूध पिलाना है, और फिर दूसरा जो इसका सब्स्टिट्यूट है उसको कैसे आप अडॉप्ट करेंगे, वो चीज़ें सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में डिस्कस करूँगा। धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचें। थैंक यू।